उधारी वापस लेने के लिए मोहन धूप में पसीना बहा रहा है पर सिर्फ तारीख पे तारीख पा रहा है और एसी में बैठा रोहन पैसे ऑनलाइन पा रहा है। कैसे? खाता बुक, डिजिटल इंडिया का डिजिटल खाता, मुफ्त, सुरक्षित और आसान। नमस्ते, मेरा नाम है सूरज और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। देवांग गांधी नेशनल सेलेक्टर है, इंडियन क्रिकेट टीम को सेलेक्ट करने का काम करते हैं। इन देवांग गांधी को एक रणजी मैच के दौरान बंगाल के सीनियर बैट्समैन मनोज तिवारी ने अपने ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलवा दिया। मनोज ने देवांग के ड्रेसिंग रूम में होने की शिकायत एंटी करप्शन यूनिट यानी ACU से कर दी और इसके बाद ACU ने गांधी को बाहर निकाल दिया। यह सब बंगाल और आंध्र प्रदेश के बीच ईडन गार्डन्स में चल रहे रणजी मैच के दूसरे दिन हुआ। गांधी ने बाद में अपने बचाव में कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। इस मामले पर कैब की सफाई भी आ गई है। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए मनोज तिवारी ने इस मामले पर कहा, एंटी करप्शन प्रोटोकॉल के मुताबिक ड्रेसिंग रूम के अंदर सिर्फ प्लेयर्स और सपोर्ट स्टाफ ही जा सकते हैं। सिलेक्टर का वहां कोई काम नहीं है, इसलिए जाहिर है कि मैंने उनके वहां जाने पर एतराज़ जाहिर किया और मामले को ACU ऑफिशल्स तक पहुँचाया। के बाद ACU ऑफिशल्स ने सिलेक्टर से जाने को कहा। इधर इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए गांधी ने अपनी सफाई में कहा, मैं बाउंड्री के बाहर बैठा था जहां एक सिलेक्टर होने के नाते मैं बैठ सकता हूं। मेरी पीठ में कुछ दिक्कत है और लाल जी, बंगाल के जो कोच हैं अरुण लाल, उनके बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे ड्रेसिंग रूम में आकर फिजियो से बात करने के लिए कहा था। मैंने ड्रेसिंग रूम में घुसने से पहले ACU ऑफिशियल से अनुमति ली थी और फिर मैं फिजियो को लेकर कैब के मेडिकल रूम में चला गया था। किसी ने भी मुझे जाने के लिए नहीं कहा क्योंकि सभी लड़कों को पता है कि मैं बंगाल के लिए खेला हूं और वे सारे मुझसे सम्मान से पेश आए। किसी ने मुझसे जाने के लिए नहीं कहा और यह बिल्कुल ही खबरें सारी गलत हैं। इस मामले पर क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल यानी कैब ने भी बयान जारी किया है। कैब के सेक्रेटरी अभिषेक डालमिया ने कहा, एक नेशनल सेलेक्टर के तौर पर मिस्टर देवांग गांधी खेल रुकने पर ड्रेसिंग रूम में जाना चाहते थे। उन्हें एक टेम्पररी विजिटर के रूप में प्लेयर्स और मैच ऑफिशियल्स एरिया यानी जिसे PMOA भी कहते हैं उसमें एंट्री दी गई थी। यह मैच रेफरी से अनुमति मिलने के बाद किया गया था। हालांकि जब मिस्टर गांधी अपना मेडिकल ट्रीटमेंट कराना चाहते थे और इसकी सूचना ACU ऑफिसर को दी गई, तब ACU ऑफिसर ने तुरंत उनसे कहा कि वह इसे मेडिकल रूम में कराएं जिससे प्रोटोकॉल बना रहे। इसके बाद मिस्टर गांधी तुरंत मेडिकल रूम में चले गए जिससे कोई नियम ना टूटे। ऐसी खबरें हैं कि केरल के खिलाफ बंगाल के रणजी ओपनर के दौरान भी ऐसा ही कुछ हुआ था। उस दौरान बंगाल टीम के साथ गए सेलेक्टर शुभमय दास को ACU ऑफिशियल्स ने कोचिंग स्टाफ से दूर बैठने को कहा था। इसके बाद शुभमय बॉक्स में अकेले बैठे और एंटी करप्शन प्रोटोकॉल के मुताबिक ड्रेसिंग रूम के अंदर वही लोग जा सकते हैं जिनकी तस्वीरें PMOA के बाहरी दीवारों पर लगी हों। अगर आपने यह वीडियो फेसबुक पर देखा तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर आपने इसे यूट्यूब पर देखा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा आप ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो भी कर सकते हैं। नमस्ते, मैं सूरज, कैमरे के पीछे मेरे साथ है राशिद। शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर वन। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।